अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था हमारे मसल्स ऑफ द ईस्चियम। इस हम लोग वीडियो में अब कवर करेंगे हमारी फीमर बोन या बोनी लैंडमार्क्स ऑफ द फीमर। तो फीमर जो बोन है वो पहले तो सबसे पहले किस हमारी टाइप में आती है, ये जो आती है हमारी लॉन्ग बोन में आती है ना। और लॉन्ग बोन के हम लोगों ने पढ़ा था उसके क्या क्या होंगे, एक बॉडी होगी और टू एंड्स होंगे। तो पहले तो हम लोग जर्नल फीचर्स फीमर के पढ़ लेते हैं। जर्नल फीचर में क्या लिखा हुआ है, फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहलाती है बॉडी की, ये भी याद रखिएगा। और लॉन्गेस्ट बोन भी यही है हमारी पूरी बॉडी की, नॉट लोअर लिम्ब बट होल बॉडी। ह्यूमरस के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि वो फॉर द अपर लिम्ब हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, लेकिन हमारे लिए जो फीमर है वो हमारी होल बॉडी के लिए लॉन्गेस्ट बोन है। एंड सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि इसकी जो बॉडी होगी या शाफ्ट होगी वो कॉन्वेक्सिटी करेगी एंटीरियरली एंड कॉन्केविटी दिखाएगी पोस्टीरियरली, मतलब वो आगे की तरफ थोड़ी बेंड हुई भी होगी। एंटीरियर से देखेंगे तो वो थोड़ी आगे से बेंड हुई भी होगी, उसको हम लोग कॉन्वेक्सिटी हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड। और पोस्टीरियरली क्या होगी, कॉन्केविटी, मतलब एक थोड़ा सा लाइक थोड़ी सी टेढ़ी होगी पीछे से, लाइक इनर बेंड होगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट हैज अपर एंड शाफ्ट, जिसको बॉडी भी कह देते हैं, एंड लोअर एंड। उसके बाद हम लोग कहते हैं, हम लोग मेनली अभी जो है ना फिलहाल जो हम लोग फीमर के कर रहे हैं वो हम जो है ना सरफेस, मतलब सरफेस कवर कर रहे हैं, थरली पढ़ रहे हैं ऊपर से, ये जो अपर एंड शाफ्ट एंड लोअर एंड। बाकी जो हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करके करेंगे वो प्रॉपर बॉनी लैंडमार्क्स होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी अपर एंड लोअर एंड, और ये आगे हमारी शाफ्ट, मतलब ये हमारी लॉन्ग बोन है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसका अपर एंड में क्या क्या होगा। अपर एंड में इसके पास होगा इट हैज हेड मोर देन हाफ सर्कल, हाफ सर्कल से थोड़ा ज्यादा डायमीटर का रखेगा वो अपने पास, मतलब ज्यादा सर्कमफ्रेंस रखेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं नंबर सेकेंड इट हैज नेक, नेक जो होगी वो 13.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और जो कि ऑब्लिकली प्लेस करेगी फ्रॉम द मीडियल टू द लेटरल, ऑब्लिकली प्लेस करेगी। एंड उसके बाद हम लोग कहते हैं नंबर फोर इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब हम लोग अपर एंड में ये चीजें देख लेते हैं। ये जो है ये हमारा आप लोगों को हेड नजर आ रहा है, ये देखें आप, ये सर्किल से सर्किल होता तो हाफ सर्किल होता तो इतना होता ना, लेकिन ये देखें हाफ सर्किल से ज्यादा सर्कमफ्रेंस रख रहा है जी, मान लिया। उसके बाद ये देखें हमारी नेक आ रही है, नेक जो है वो एक तो 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसके बाद ऑब्लिकली प्लेस्ड है फ्रॉम मीडियल टू दी लेटरली। तो ये जो हमारी प्लेस्ड है ये हमारा मीडियल एंड है और ये हमारा लेटरल एंड है, नहीं हम लोग देख रहे हैं इंटीरियर व्यू से, तो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है ये भी मान लिया। उसके बाद हम लोग कहते हैं नीचे हमारे पास दो लेसर ट्रोकेंटर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, दो हमारे पास ट्यूबरकल टाइप एक बड़े बॉडी लैंडमार्क्स आते हैं, बोनी लैंडमार्क्स आते हैं, वो कौन से हैं अब ये देखेंगे। जो पूरे आपके पास नजर आ रहा है आउटवर्ड स्लैंटिंग, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर। एंड हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर देखें, ये यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है इन्फीरियर मीडियली या हम पोस्टीरियर मीडियली लेसर ट्रोकेंटर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से छोटा होगा, नाम ही जाहिर कर रहा है। और ये यहाँ पर पोस्टीरियर व्यू में ये शो किया हुआ है पोस्टीरियर मीडियली जो है हमारा लेसर ट्रोकेंटर, एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो लेटरल मोस्ट साइड पे होगा। और तो मतलब ये हम लोगों ने इसके फीचर देख लिए। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे जो नेक एंड शेफ्ट के बीच में जो हमारी एंगल बन रही होती है, हमारे जो नेक एंड शेफ्ट के बीच में जो एंगल बन रही होती है वो कितनी होती है, वो 125 इन एडल्ट्स, वो 125 होती है इन एडल्ट्स, वाइल हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें 140 तक भी जा सकती है। ये डिग्री क्यों होती है इतनी, है क्यों इतनी स्लैंटिंग आउटवर्ड है इसका हेड, वो इसीलिए है कि देखें इसने जाके एसिटाब्यूलम में अटैच होना था ना हेड ने, तो अगर ये हेड वहां पर अटैच जो है वो बिल्कुल साथ में हो जाता तो हमें लोकोमोशन में मदद नहीं मिलती, तो ये हम लोगों को लोकोमोशन में हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी शेफ्ट, शेफ्ट जो है या बॉडी है इट हैज थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस जो है वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब आपके लिए फिलहाल जो है इतना काफी है। उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर एंड, लोअर एंड में हम लोग देखते हैं कि ये आ गया हमारा लोअर एंड, लोअर एंड में क्या है हमारे पास, इट हैज लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स जो कि किसमें पार्ट लेती हैं, इट फॉर्म्स पार्ट, इट टेक पार्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ नी ज्वाइंट। ठीक है, अब ये हमारे पास लेटरल कोंडाइल आ गया, मीडियल कोंडाइल आ गया, दो कोंडाइल हैं वो हमारे पास लोअर एंड में जो कि, और हमारा जो लोअर एंड है वो ब्रॉड है,
तो ना, और दो कॉन्डाइल्स अपने पास रखता है, और जो कि मदद कर, दो कॉन्डाइल किस में मदद करते हैं, हमारे नी जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने ये एंगल भी पढ़ लिए, एंगल अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी दफ़ा BCQ या फिर वाइवा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं साइड डिटर्मिनेशन, हर बोन की हम लोग साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम लोग फीमर की साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट्स मेनली मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने साइड डिटर्मिनेशन को समझाने के लिए बताए हैं। दी अपर एंड बियर राउंडेड हेड, हम लोगों ने पढ़ा द अपर एंड बियर राउंडेड हेड, येस हेड वेयर एज लोअर एंड इज वाइडली एक्सपेंडेड टू फॉर्म टू लार्ज कॉन्डाइल्स, येस मीडियल एंड लेटर दो कॉन्डाइल्स बन रहे थे और एक्सपेंडेड फॉर्म था। तो मतलब हम लोगों को पहले तो पता लग गया हमें सुपीरियर क्या रखना है, जिसके ऊपर हेड स्लांट आउट किया हुआ है, और इन्फीरियरली कौन सा पार्ट रखना है जहां पर जो कि एक्सपेंडेड है और दो कॉन्डाइल्स बियर करता है। समझ आ गया कि सुपीरियर और साइड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं ना, सुपीरियर और इन्फीरियर को ऐसे बैलेंस करना है, ये ना हो कि आप जो है वो इन्फीरियर पार्ट को ऊपर ले जाएं। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, पहले तो आपने इसको ऐसे सीधा रख लिया, अब आप हेड को इस साइड भी तो मोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखना है जो आपका ये हेड होगा, जो हमारे पास सुपीरियर एंड पर था, वहां पर जो अपर एंड पर जो हमारा हेड था, ये जो होगा ना, ये हमारा मीडियली लाई करेगा, टुवार्ड्स दी बॉडी लाई करेगा। आप देखें कि हमारे जो ज्वाइंट है वो भी टुवार्ड दी बॉडी बनेगा, तो ये हमारा जो हेड है ये भी टुवार्ड दी बॉडी लाई करेगा, तो फिर आप इसको टुवार्ड्स दी बॉडी रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है, थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है, द सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। अब हम लोगों को कैसे पता लगे, ये तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने मीडियल कौन सा पार्ट रखना है और सुपीरियर इन्फीरियर कौन सा पार्ट रखना है, लेकिन ऐसे कैसे पता लगे कि हम लोग जो है वो लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट है या ये राइट है, क्योंकि हमारे पास हम लोग किसी को भी लेफ्ट को भी ऐसे घुमा के रख सकते हैं और राइट को भी, तो हम लोग उल्टी बोन को ना बता दें, तो दिस पॉइंट इज फॉर दिस क्लियरेंस। उसके बाद हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने पढ़ा था ये जो हमारी शेफ्ट है वो एंटीरियर साइड पर थोड़ी कॉन्वेक्स है, थोड़ी सी मतलब बेंड की हुई होगी आउटवर्ड, एंड फ्रॉम द बिहाइंड और पोस्टीरियरली इट इज कॉनकेव, मतलब जो है कि बेंड थोड़ी सी इनवर्ड होगी, ठीक हो गया। तो हम लोगों को अगर ये जो है हमारे पास कॉन्वेक्सिटी जो है वो फॉरवर्ड पर ही आती है, इंटीरियर पर ही आती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जी ये बोन हमारी राइट की है या लेफ्ट की है, जैसे कि ये हमारे पास लेफ्ट की बना रहे हैं तो ये लेफ्ट की है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम लोगों ने बोन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पता लग गया हमारी जो है वो साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन थर्ड पॉइंट का हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पिछली देखिए हमारी जो एंटीरियर सरफेस है वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ है, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस जो होगी या पोस्टीरियर बॉर्डर होगा वो वहां पर काफी ज्यादा रिजेस वगैरह या ऐसे आप लोगों को नजर आएंगे, तो उसको आप लोग अपनी साइड रख के पोस्टीरियर साइड आप लोग उसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन हमारी बुक में ऐसे डिफाइन किया हुआ था तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है। तो होप सो कि आप लोगों को साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। ज्यादातर तो जो एक्सटर्नल है वो हमें साइड डिटर्मिनेशन ही सबसे पहले पूछता है, तो कोशिश कीजिए कि साइड डिटर्मिनेशन को आप बार बार रिवाइज करके अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाय डिटेल अपर एंड। अपर एंड जो है, सुपीरियर एंड जो है, उसके पास हमारे पास कौन से बोनी लैंडमार्क्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोविया। फोविया जो है वो एक पिट है, कहाँ पर लाई करती है, हमारे हम लोगों ने पढ़ा है एक हमारा हेड है, हेड है ना, हेड के ऊपर जो है एट द सेंटर से थोड़ा सा हमारे पास इन्फीरियर साइड पर एक हमारे पास जो है वो एक पिट होगी, जिसको हम लोग कहते हैं फोविया। वो किस लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए होगी, वो लिगामेंटम टीरीज की अटैचमेंट में होगी, और हम लोगों को पता है ये हेड जाकर एसिटाबुलम में लगता है, तो ये जो हमारी लिगामेंटम टीरीज यहाँ पर लिगामेंट अटैच होता है ये बिटवीन एसिटाबुलम एंड बिटवीन दी फोविया जो हमारी पिट है उसके बीच में अटैच होता है, और ये स्टेबिलिटी किसको प्रोवाइड करेगा, हमारे हिप ज्वाइंट को करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये उन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो आप लोगों को होप्स हो कि ये फोविया या फिर ये जो है पहला हमारा बोनी लैंडमार्क अपर एंड का समझ आएगा। उसके बाद हम लोग जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा ग्रेटर ट्रोकेंटर, अब हम लोग करेंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट लेटरल एंड द मोस्ट पाल्पेबल प्रोजेक्शन ऑफ द बोन सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ नेक विद द अपर पार्ट ऑफ द शेफ्ट। अब देखें आप, ये पहले तो ये हमारा मीडियल है,
हमारा ये लेटरल एंड है, देखिए लेटरल मोस्ट लेटरली प्रेजेंट है और ये कितनी स्लेंटिंग आउटवर्ड है तो ये मोस्ट पालपेबल है क्योंकि मीडियल एंड पे तो ये जाके हमारी अटैच हो जाएगी एसिटाबुलम के साथ, तो इतनी बल्कि बिल्कुल भी पालपेबल नहीं होगी। जो मोस्ट स्लेंटिंग आउटवर्ड होगी लेटरल साइड पर वो हम लोगों की कौन सी होगी, ग्रेटर ट्रोकेंटर ही होगा, ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा। और इसके लिए एक और बात हम लोग कह रहे हैं, ये सिचुएट कहाँ पर करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हेड, ये हम लोगों ने पढ़ा नेक और ये हम लोगों ने पढ़ा ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये शेफ्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर ट्रोकेंटर बिटवीन नेक सुपीरियरली जो है वो नेक और हमारी शेफ्ट को अलग करता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ नेक विद द अपर पार्ट ऑफ द शेफ्ट। अब ये देखिए नेक और शेफ्ट की अपर पार्ट पर ये जंक्शन बना रहा है उन दोनों की, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं द लेटरल सरफेस हैव थ्री इंप्रेशन फॉर थ्री मसल अटैचमेंट। अभी इसकी दो सरफेसेस हैं, एक लेटरल सरफेस है एक मीडियल सरफेस है। हम लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ लिया मीडियल एंड ये था, लेटरल एंड ये था, तो ये जो इसके इनर साइड पर ये नजर आ रही है रिज, ये हम लोगों को सरफेस, ये जो होगी ये मीडियल सरफेस होगी, इस साइड से ज्यादा सही से समझ आएगा। ये देखें पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है, ये हमारा जो है लेटरली हमारे पास कौन सा ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है और ये इसकी जो आउटवर्ड है जो लेटरल है वो हम लोगों की लेटरल सरफेस है ये सारी, और ये इनर वर्ड जो है वो हम लोगों की कौन सी सरफेस है, वो है हमारी इनर सरफेस या फिर हम लोग उसे कहते हैं मीडियल सरफेस। अब जो मीडियल सरफेस है वो एक डीप डिप्रेशन बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोकेंटर फोसा, ट्रोकेंट्रिक फोसा। अब ये देखें यहां पर ये इनवर्ड फोल्ड हो रहा है हमारा और क्या बना रहा है, ट्रोकेंट्रिक फोसा। ये यहां पर ये शो किया हुआ है ना एट दिस पॉइंट, ये देखें ये ट्रोकेंट्रिक फोसा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो लेटरल सरफेस है वो थ्री कंपार्टमेंट्स में इंप्रेशंस देगा या थ्री कंपार्टमेंट्स में टूटा हुआ होगा फॉर दी थ्री मसल अटैचमेंट्स। अब वो थ्री मसल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने पढ़ा कि लेटरल दो सरफेसेस हैं लेटरल और मीडियल, मीडियल जो है वो ट्रोकेंट्रिक फोसा बना रहा है और लेटरल सरफेस जो है वो थ्री मसल्स की अटैचमेंट के लिए हमारे पास इंप्रेशन दे रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सी जो है हमारे पास बॉनी लैंडमार्क वो है लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर जो है वो ये रहा हमारे पास और हमारे पोस्टीरियर व्यू में ये रहा, इसको हम लोग पोस्टीरियर मीडियल भी कहते हैं। अब लेसर ट्रोकेंटर जो है स्मॉलर देन द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये नजर ही आ रहा है कि इससे छोटा होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियली, ये देखें ये पोस्टीरियर साइड पे नजर आ रहा है लेकिन मीडियल साइड पे है ना, इस साइड पे नहीं है, इस साइड होता तो पोस्टीरियर लेटरली कहते हैं, ये पोस्टीरियर मीडियली प्रेजेंट है। तो हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियली साइड ऑफ द फीमर। उसके बाद हम लोग कहते हैं लाई जस्ट इनफीरियर टू द नेक। अब ये हमारे नेक है, नेक के फौरन बाद जो है वो हमारा कौन लाई कर रहा है, हमारा लेसर ट्रोकेंटर लाई कर रहा है। ये देखिए ये नेक है उसके फौरन नीचे जो कौन लाई कर रहा है, लेसर ट्रोकेंटर लाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं एक और हमारे पास बोनी लैंडमार्क आया है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। अब इंटर ट्रोकेंट्रिक से मुराद है कि ये बिटवीन दी ट्रॉन्क हमारे जो ट्रोंकर से उनके बीच में कोई चीज है, इंटरलिंक कर रही है उनको। अब वो लाइन है लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पर है, एंटीरियर साइड, ये हम लोग एंटीरियर साइड पे देख सकते हैं। दिस इज अ रिज और लाइन व्हिच कनेक्ट द ग्रेटर ट्रोकेंटर विद द लेसर ट्रोकेंटर। ये देखें हमारे पास ये जो लाइन आ रही है मेनली, ये जो लाइन आ रही है जो कनेक्ट कर रही है मेरे हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर को फ्रॉम दी लेसर ट्रोकेंटर टू दी लेसर ट्रोकेंटर, वो कौन सी है, हमारी इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। और हम लोग इसके लिए एक और चीज भी कहते हैं, या ये दोनों को मिलाएगी, या हम लोग इसको कहते हैं लाई ऑन दी एंटीरियर साइड एंड मार्क्स दी जंक्शन बिटवीन नेक एंड शेफ्ट। हम लोगों ने पहले तो देख लिया ये एंटीरियर व्यू में नजर आ रही है तो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है और ये क्या बना रही है, हमारी जंक्शन बना रही है किसके, बिटवीन नेक एंड दी शेफ्ट बना रही है ये जंक्शन। ये थोड़ी सी स्लैंटिंग आउटवर्ड होगी, ये देखिए थोड़ी सी ऊपर को होगी, कॉन्वेक्स थोड़ी सी होगी और ये जो है वो जंक्शन बनवाएगी बिटवीन नेक एंड दी शेफ्ट। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा आ जाता है इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। अब इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट क्या है, इट इज आल्सो एन रिज व्हिच कनेक्ट दी हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर विद दी लेसर ट्रोकेंटर ऑन दी पोस्टीरियर साइड। हम लोगों ने एंटीरियर साइड पर क्या पढ़ा, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन है जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर को मिला रही है, लेकिन हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर कौन होगी, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होगी जो यही काम कर रही होगी। अब हम लोग इसको ट्रेस करते हैं, आप लोग ये देखें ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है, सुपीरियर से एक लाइन जा रही है या एक क्रेस्ट जा रही है मेनली, जो हमारे हमारे किसके साथ इसको मिला रही है, लेसर ट्रोकेंटर के साथ मिला रही है हमारे हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और बोनी लैंडमार्क इसके बिटवीन पढ़ते हैं, वो है इट हैज एन ट्यूबरकल कार क्वाड्रेटस क्वाड्रेट ट्यूबरकल ऑन दी इट्स सुपीरियर हाफ।
अब हम लोग देखते हैं इसके पास एक ट्यूबरकल होगा, ये देखें ये सुपीरियर है और ये यहाँ पर एक बोनी बोनी एलिवेशन सी होगी ये इस एरिया पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक हो गया, ये सुपीरियर हाफ पर होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये एक और हमारी कॉन्वेक्सिटी बनाता है नियर दी लेसर ट्रोकेंटर और सुपीरियर टू दी लेसर ट्रोकेंटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोकेंटर फीमोरेल, इसको हम लोग कहते हैं कैलकर फीमोरेल, सॉरी कैलकर फीमोरेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक तो सुपीरियर हाफ पर जो है वो क्या बन रहा है हमारा क्वाड्रेट ट्यूबरकल, हमें बोनी एलिवेशन शो होगी, और नीचे जो है सुपीरियर टू द लेसर ट्रोकेंटर हमें ऑन दी एंटीरो इंटर ट्रोकेंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पर क्या नजर आएगा, कैलकर फेमोरल नजर आएगा, जो कि कॉन्वेक्सिटी बना रहा है किसकी, कॉन्वेक्सिटी बना रहा है किसकी, हमारी क्रेस्ट की। ठीक हो गया, हम लोगों के ये भी बोनी लैंडमार्क्स कवर हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे यहाँ पर, हमारी अपर एंड कंप्लीट होती है और हम यहाँ से शाफ्ट स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर हम लोगों ने पूरे अपर एंड के जो है वो लैंडमार्क्स कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग इसकी शेफ्ट को स्टडी करते हैं। अब शेफ्ट जो है इसकी वो थ्री बॉर्डर्स और थ्री सरफेसेस पर लाई करती है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। अब थ्री बॉर्डर्स कौन से हैं, टू राउंडेड और इल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं जो कि मीडियल एंड लेटरल हैं, और वन पोस्टीरियर और थिक बॉर्डर है जिसको हम लोग रिज भी कहते हैं, और बॉर्डर भी उसको नाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम दिया गया है इसको स्पेशली, जिसे हम कहते हैं लीनिया एस्पेरा। अब हम लोग थ्री सरफेसेस हैं एंटीरियर मीडियल एंड लेटरल, हम लोग देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखें आप लोग, ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास आ गया मीडियल बॉर्डर जो कि सर्कुलर का ही मीडियल बॉर्डर है इसीलिए इल डिफाइंड है, ये लेटरल बॉर्डर आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये देखें कितना ज्यादा हमारे पास वेल डिफाइंड है, और इसको हम लोग एक क्रेस्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग एक रिज कहते हैं, जिसको स्पेशली नाम दिया गया है लीनिया एस्पेरा नाम दिया गया है। और इसकी थ्री सरफेसेस हैं, ये जो आपको पूरी एंटीरियर साइड पे दिख रही है ये एंटीरियर सरफेस है, और ये जो आप लोगों को पोस्टीरियो मीडियल दिख रही है इसको हम लोग मीडियल सरफेस कहते हैं, और जो ये पोस्टीरियो लेटरल दिख रही है इसको हम लोग लेटरल सरफेस कहते हैं। अब हम लोग पहले बॉर्डर्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी सरफेसेस को डिफाइन करते हैं। जो लेटरल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर टू दी हमारे पास लेटरल कोंडाइल, एक्सटेंड फ्रॉम लेटर ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ पर है हमारा, ये देखें ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट हो रही है अप टू दी लेटरल कोंडाइल, ये यहाँ तक जो ये पूरे हमारी कवर करेगा ये कौन सा है हमारा लेटरल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर के लिए हम लोग कहते हैं ये लेसर ट्रोकेंटर से यहाँ से स्टार्ट होता है और अप टू दी कहाँ तक जाता है, ये जाता है हमारे मीडियल कोंडाइल तक, एक्सटेंड फ्रॉम इंटर हम लोग पोस्टीरियर, देखें हम लोग इसको पोस्टीरियर ट्रोकेंट्रिक लेसर ट्रोकेंटर कहें, या फिर हम लोग ये बिल्कुल उसके देखें आप लेटरली थोड़ी सी हमारे पास एक हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी जो कि वो कनेक्ट कर रही है हम लोगों के दोनों ट्रोकेंटर्स को, तो उस लाइन पर भी हम लोग कह सकते हैं, और लेसर ट्रोकेंटर के हम लोग लेटरल वो बॉर्डर पर भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो लिखा है मेनली वो इंटर ट्रोकेंटर लाइन लिखा है, जिससे आप लोगों को मेनली अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखें जो है ये मीडियल साइड पर जो हमारे इंटर ट्रोकेंटर लाइन से जो हमारी बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है अप टू दी मीडियल कोंडाइल तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मीडियल बॉर्डर। उसके बाद आता है पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड लिटिल बिट जो है कॉन्सेप्चुअल और कॉम्प्लेक्स बॉर्डर जो है वो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में पहले तो डिवाइड करते हैं, हमारा अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। अपर वन थर्ड को पहले तो हम लोग मिडल वन थर्ड को पढ़ते हैं, मिडल वन थर्ड को हम लोग मेनली कहते हैं लीनिया एस्पेरा, जो के जिसके दो लिप्स होते हैं, एक उसका लिप होता है लेटरल, एक उसका लिप होता है मीडियल। ये हमारे पास ये आ रहा है हमारे ये जो पूरी लाइन आ रही है मिडल वन थर्ड में, उसको हम लोग कहते हैं लीनिया एस्पेरा, जिसका एक मीडियल लिप होता है एक लेटरल लिप होता है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका लोअर वन थर्ड, लोअर वन थर्ड पर क्या होगा, ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, प्रोलॉन्ग करेगी टू रिजेस में। टू रिजेस कौन सी, पहले तो इन्फीरियर जाएगी, हम लोगों ने कहा कि इन्फीरियर
इंटीरियरली हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर को पढ़ने लगे हैं, तो इंफीरियरली जो है वो लेटरल सुप्रा कोंडाइलर रिज बन जाएगी जो कि जाती है लेटरल कोंडाइल तक, और मीडियल साइड पर ये क्या बन जाएगी हमारी मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज जो कि जाएगी मीडियल कोंडाइल तक, और बीच बोथ रिजेस इनक्लोज अ ट्राइंगुलर एरिया कॉल्ड द पॉप्टीटियल सरफेस। इसको हम लोग पॉप्टीलियल सरफेस कहते हैं ना। अच्छा तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों की मिडल वन थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा लाइना एस्पेरिया, एक लाइना एस्पेरा जिसका हम लोग मीडियल लिप और लेटरल लिप कह रहे हैं। जो लेटरल लिप है वो प्रोलॉन्ग करेगा किसमें, हमारे पास लेटरल सुप्रा कोंडाइलर रिज। ये जो रिज आ रही है, ये जो रिज आ रही है ये वाली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल सुप्रा कोंडाइलर रिज। एंड जो हमारी मीडियल साइड पर आ रही है उसको क्या कहेंगे, मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज। और ये अप टू दी कहां तक जाएगी, लेटरल कोंडाइल, और ये कहां तक जाएगी, अप टू दी मीडियल कोंडाइल। ये आप लोगों को होप्स समझ आया होगा। और ये बीच में ना, बीच में जो ये कवर कर रही है ट्राइंगुलर सरफेस, ये देखें आप, जिसकी बेस ये नीचे लाई कर रही है और एपेक्स ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपलिटियल सरफेस। यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसको हम लोग कहते हैं पॉपलिटियल सरफेस, जो कि हम लोग आगे जब हम लोग वो हमारी रीजन्स कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कवर भी करेंगे। तो पॉपलिटियल सरफेस होगा ये, यहाँ पर टी नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग कहते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया मिडल और इन्फीरियर वन थर्ड और वन थर्ड, लेकिन हम लोगों का जो सुपीरियर वन थर्ड होगा, जो सुपीरियरली लाइन ऑफ एस्परा है, वो भी टू लिप्स में टूटा हुआ था जिसे हम लोगों ने कहा था लेटरल और मीडियल। जो इसका लेटरल लिप है वो असेंड करेगा और बनाएगा क्या, ग्लूटल ट्यूबरोसिटी, और जो मीडियल लिप है इसका वो असेंड करेगा और क्या बनाएगा, स्पाइरल लाइन। और बिटवीन देम ऑन द मीडियल साइड और इन्फीरियर टू द लेसर ट्रोकेंटर देयर इज अ रिज कॉल्ड पेक्टिनियल लाइन। अभी आप लोगों को थोड़ा कॉन्वेक्स वो कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, मैं अब आपको समझाता हूँ। ये जो था इस साइड वाला, ये हमारा लेटरल लिप था, और इस साइड वाला जो था ये मीडियल लिप था। ये असेंड करता है, पहले तो ये दो लिप्स हमारे प्रोमिनेंट हो जाते हैं यहाँ पर। प्रोमिनेंट होने के बाद ये दोनों जब अलग होते हैं, लेटरल मीडियल लिप, लेटरल लिप आगे जाता है और एक हमारे पास ट्यूबरोसिटी देता है, एक थिक सी ट्यूबरोसिटी बना देता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। समझ आ गया जी, जो हमारे पास लेटरल लिप है वो जाके आगे बना देगा ग्लूटल ट्यूबरोसिटी, और जो हमारा मीडियल लिप है वो असेंड करेगा, जो यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, ये देखें, ये यहाँ पर असेंड करेगा और ये जाके यहाँ पर जो ये बनाएगा, ये इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल लाइन। ठीक हो गया, ये इसने जाके यहाँ पर बनाई स्पाइरल लाइन, और बिटवीन देम जो हमारी एक रिज प्रेजेंट होगी या एक लाइन प्रेजेंट होगी, ये जो हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर के इन्फीरियर लाई कर रही है, और हमारे पास जो इन दोनों स्पाइरल लाइन और हमारे पास ग्लूटल ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड पर है, देखें ये मीडियल साइड ये था, तो इन दोनों जो हमारे लोगों की लाइन बनी है, ट्यूबरोसिटी और लाइन, एक लाइन बनी उनके जो मीडियल साइड पर और इन्फीरियर टू दी लेसर ट्रोकेंटर, कौन सी एक लाइन प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। होप्स हो कि आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है पोस्टीरियर बॉर्डर कवर हो जाता है। अच्छा, पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ आप देखें, मैंने इसके मेनली जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट आपको कवर करवा दिए हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस लाई बिटवीन लेटरल एंड मीडियल। ये देखें, ये हमारे पास मीडियल आ गया, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर आ गया, दोनों के बीच में जो हमारी सरफेस लाई कर रही है बिल्कुल प्लेन सरफेस, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटीरियर सरफेस, साफ शफाफ, जो हमारी साफ शफाफ हमारी जो सरफेस है एंटीरियर सरफेस। उसके बाद हम लोग मीडियल सरफेस क्या किसको कहते हैं, लाई बिटवीन मीडियल लिप और लाइना एस्परा के मीडियल लिप पर प्रेजेंट होगी एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगी। आप ये देखें, ये हमारा मीडियल लिप है किसका, लाइना एस्परा का, और इससे लेकर हमारे मीडियल बॉर्डर तक, ये हमारा मीडियल बॉर्डर, इसके बीच में जो हमारे पूरा सरफेस है, ये जो हमारा पूरा सरफेस है ये कौन कवर कर रहा है, ये हम लोग कहेंगे मीडियल सरफेस है ये। ठीक हो गया, जिसको हम लोग पोस्टीरियर मीडियल भी कह देते हैं। ये पोस्टीरियर लेटरल जो है बिटवीन द लेटरल, हमारे पास लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से लेकर हमारे पास लेटरल बॉर्डर तक जो कवर कर रहा है सरफेस, उसको हम लोग कहेंगे लेटरल सरफेस। यहाँ पर नहीं, अगले बॉर्डर पर यही लिखा हुआ होगा, अगले पेज पर यही लिखा हुआ है कि हमारे पास लाई बिटवीन लेटरल लिप ऑफ लाइना एस्परा एंड लोअर लेटरल बॉर्डर। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारी शेफ्ट भी कंप्लीट होती है। देखें, हम लोगों ने ये जो शेफ्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इसके पूरे जो है बॉर्डर्स एंड सरफेसेस कवर कर लिए, कोई ऐसी चीज नहीं रही जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी हो। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे लोअर एंड पर,
इन्फीरियर एंड पर, लोअर एंड पर कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं और मेनली जो है हम लोग शेफ्ट के साथ ही कवर कर रहे हैं। एक तो लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मेनली जो हम लोग इसकी पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो ये है कि ये सेपरेट होती है। हम लोगों ने पढ़ा ये हमारे पास जो है ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है, लेकिन ये डिवाइड होती हैं आपस में। इनको डिवाइड कौन करता है? एंटीरियर, इसको एंटीरियरली ये डिवाइड होती हैं बाय एन आर्टिक्यूलर सरफेस पटेला, पटेलर सरफेस होती है, आर्टिक्यूलर पटेलर सरफेस वो जो है इन दोनों को डिवाइड करती है एंटीरियर साइड पर। और पोस्टीरियर साइड पर इनको कौन डिवाइड करता है? पोस्टीरियर साइड पर इनको डिवाइड करते हैं इंटरकॉन्डाइलर नॉच या इंटरकॉन्डाइलर फॉसा जिसे कहते हैं, वो इसको डिवाइड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट है। ये देखिए, ये हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है और ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है, बीच में जो है हमारे पास पटेलर सरफेस है, पटेलर सरफेस है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रही है। अब पटेलर सरफेस हम लोग उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकुलेशन होगी पटेला की, और ये दोनों जो फिर ये मिलकर हमारे पास क्या बनाने में मदद करेंगे, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, नी ज्वाइंट बनाने में मदद करेंगे। और पोस्टीरियर साइड पे देखें आप, ये लेटरल कॉन्डाइल आ गया, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल आ गया, ये जो है किससे डिवाइड हो रहा है? खड्डा है, एक ग्रूव है, एक फॉसा है, जैसे हम लोग कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फॉसा या इंटरकॉन्डाइलर नॉच, एक घड़ा सा है वो कवर कर रहा है इसको पोस्टीरियर साइड पर, जिसको हम लोग इंटरकॉन्डाइलर फॉसा कहते हैं या इंटरकॉन्डाइलर नॉच कहते हैं, वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अबव द कॉन्डाइल्स मीडियल एंड लेटरल साइड पर, अबव द कॉन्डाइल मीडियल एंड लेटरल इपिकॉन्डाइल लाई। अब जो मीडियल इपिकॉन्डाइल है हमारा, देखें अब ये मीडियल और लेटरल इपिकॉन्डाइल मेनली है क्या? ये बोनी एलिवेशन है, ये भी बोनी एलिवेशन था ना, ये देखें जो हमारा कॉन्डाइल था, तो उससे ऊपर जब हम लोग जाएंगे सुपीरियर टू इट लोअर बॉर्डर पर, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ और भी एलिवेशन है, कुछ और भी हमारे पास यहाँ पर थिकन चीजें हैं। या इस साइड पर देखें तो ये लेटरल इपिकॉन्डाइल हो गया, और इस साइड पर देखें मीडियल साइड पर तो ये मीडियल इपिकॉन्डाइल हो गया। और इपी हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि अबव दी कॉन्डाइल है, तो इसीलिए मीडियल कॉन्डाइल के अबव वाले को मीडियल इपिकॉन्डाइल और लेटरल इपिकॉन्डाइल को जो अबव दी लेटरल कॉन्डाइल। उसके बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पर एक और बात बताई गई है, एट मीडियल इपिकॉन्डाइल और एट द एंड ऑफ मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। अब मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज जो है वो हम लोगों ने किसकी पढ़ी थी? वो हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो हमारा मीडियल लिप था वो इन्फीरियर आ रहा था लाइना एस्पेरा का, और क्या बना रहा था? मीडियल इपिकॉन्डाइलर रिज बना रहा था। अब एट द एंड ऑफ मीडियल इपिकॉन्डाइलर रिज, ये देखिए मीडियल इपिकॉन्डाइलर रिज आ रही है, एट द एंड ऑफ मीडियल इपिकॉन्डाइलर रिज जो है वो एक ट्यूबरकल या एक इलिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एबडक्टर ट्यूबरकल। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े थे हमारे हिप बोन पर जो हम लोगों के एडक्टर मसल्स थे, एडक्टर मसल से उनमें से एक मसल जो आके लगेगा वो यहाँ पर होगा। एडक्टर मसल कौन से थे? एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गेस, एडक्टर मैग्नस, उनमें से जो हमारा एक वो एडक्टर होगा वो यहाँ पर आके अटैच होगा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द एंड ऑफ मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज और एट द मीडियल इपिकॉन्डाइल, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं एबडक्टर ट्यूबरकल, और यहाँ पर एक आके एडक्टर मसल लगेगा। यहाँ पर हमारी देखें ये पूरी सरफेस हमारे पूरी जो है वो फीमर बोन वो कवर हो चुकी है। होप सो कि आप लोगों को समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया तो आप फिर पीछे करके सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बोन है, तो और मोस्ट इजी बोन भी है, कुछ इसमें जो है वो मुश्किल है, तो वो आप जो बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।